स्टेचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। भारत के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू या मूर्ति 152 मीटर की चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है। उससे कम दूसरी ऊंची मूर्ति भी भगवान बुद्ध की ही है जिसकी ऊंचाई 120 मीटर है। प्रारंभ में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा लगभग 3001 करोड़ रखी गई थी। बाद में एलएनटी ने अक्टूबर 2014 में सबसे कम 2989 करोड़ की बोली लगाई जिसमें आकृति, निर्माण तथा रखरखाव शामिल था। निर्माण कार्य का प्रारंभ 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ हुआ। मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर किया जाएगा। गुजरात सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 2010 को इस परियोजना की घोषणा की गई थी। पटेल को लोह पुरुष कहा जाता था, इसलिए इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत गांव में रहने वाले किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने इस कार्य हेतु पूरे भारतवर्ष में 36 कार्यालय खोले जिससे लगभग 5 लाख किसानों से लोहा जुटाने का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान का नाम स्टेचू ऑफ यूनिटी अभियान दिया गया। 3 माह लंबे इस अभियान में लगभग 6 लाख ग्रामीणों ने मूर्ति स्थापना हेतु लोहा दान किया। इस दौरान लगभग 5000 मेट्रिक टन लोहे का संग्रह किया गया। आधार यानी बेस सहित इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 240 मीटर है जिसमें 58 मीटर का आधार यानी बेस और 182 मीटर की मूर्ति है। यह मूर्ति इस 5 सांचे प्रबलित कंक्रीट तथा कांस्य यानी ब्रॉन्ज लेपन से युक्त है। इस स्मारक की अनेक विशेषताएं हैं जैसे मूर्ति पर कांस्य लेपन किया गया है। स्मारक में 2 लिफ्ट लगाई गई है। मूर्ति की छाती के पास एक गैलरी बनाई गई है जिसके द्वारा पर्यटक लिफ्ट के सहारे ऊपर जाकर सरदार सरोवर डैम और नर्मदा नदी का खूबसूरत नज़ारा देख सकेंगे। इस गैलरी में एक साथ 200 लोग रह सकते हैं। नाव के द्वारा केवल 5 मिनट में मूर्ति तक पहुंचा जा सकता है। इसमें एक खासियत ये भी है कि सिर्फ सर की ऊंचाई इसकी 7 फ्लोर यानी 7 मंजिल के बराबर है। यह प्रतिमा बनाने के लिए 18,500 मेट्रिक टन स्टील, 70,000 मेट्रिक टन सीमेंट, 2,000 मेट्रिक टन कॉपर का इस्तेमाल किया गया है। 4,076 मजदूरों में 2 शिफ्टों में काम किया है। इस मूर्ति से पटेल की सादगी भी झलकती है। सिलवटों वाला धोती कुर्ता, बंडी और कंधे पर चादर उनकी पहचान थी। ये सब कुछ मूर्ति में ढल चुका है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।